तो देखिए दोस्तों, आधार की पॉलिसी के अंदर ये है लेटर जो 31/3/2021 को जारी हुआ है और यहाँ पे क्रमांक नंबर भी लिखा हुआ आपको मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिला कलेक्टर समस्त सभी जिला कलेक्टर को ये लेटर लिखा गया है, जिसके अंदर विषय में लिखा गया है आधार केंद्रों की स्थापना एवं ऑपरेटर चयन हेतु नवीन दिशा निर्देश। जो नए दिशा निर्देश थे उसके अकॉर्डिंग ये लेटर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जो नए दिशा निर्देश है उनके अकॉर्डिंग उपयुक्त विषय अंतर्गत राज्य के आधार केंद्रों की स्थापना एवं ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने एवं जिला प्रशासन के नियंत्रण पर्यवेक्षण में ही समस्त कार्यवाही संपादित किए जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा यह है नवीन दिशा निर्देश किए जा रहे हैं। यह दिशा निर्देश दिनांक 1/4/2021 से प्रभावी होंगे। उक्त दिनांक के बाद निर्देशों में विहित प्रक्रिया के तहत ही समस्त प्रस्ताव जिला स्तर से विभाग को प्रेषित किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में 5,000 से अधिक आधार केंद्र संचालित है और इनमें से 3,000 से अधिक आधार केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रजिस्ट्रार के अधीन है। उपयुक्त निर्देशों की क्रियान्वित निर्देशानुसार की जाती है। देखिए यहाँ पर जिला कमेटी का गठन, कमेटी द्वारा केंद्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान का चयन एवं संख्या निर्धारण, सार्वजनिक सूचना जारी किया जाना, आवेदन आमंत्रित किया जाना, ऑपरेटर का चयन, चयनित ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग आवेदन पत्र प्राप्त कर ये राजकोम इन्फो सर्विस इंडिया लिमिटेड जयपुर को प्रेषित करना। आशा है कि नवीन दिशा निर्देश के द्वारा जिला स्तर पर नामांकन एवं अध्ययन गतिविधियाँ प्रभावी रूप से संपादित हो सकेगी और यह कार्य जिला प्रशासन के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। नवीन दिशा निर्देश है जो 3 नंबर प्रश्न पे आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले आधार नामांकन अध्ययन केंद्र स्थापना एवं ऑपरेटर चयन नियुक्ति हेतु जो नवीन दिशा निर्देश है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राज्य में UIDAI द्वारा, नई दिल्ली द्वारा आधार नामांकन एवं ऑपरेशन गतिविधियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान सरकार के अधीन अतिरिक्त BSNL मुख्य पोस्ट ऑफिस, जनरल बैंक, नवोदय विद्यालय, आधार सेवा केंद्र, UIDAI प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग, निदेशक महिला एवं बाल विकास CHC को भी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक की जनसंख्या आधार नामांकन की दृष्टि से परिपूर्ण हो चुकी है और 0 से 5 वर्ष व 5 से 18 वर्ष की लगभग 1 करोड़ जनसंख्या का आधार नामांकन परिपूर्ण शेष बचा है। मतलब 1 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिनका आधार में बायोमेट्रिक आपको अपडेट करना होगा। माह फरवरी 2021 की स्थिति अनुसार राज्य की 90% जनसंख्या आधार केंद्र हेतु नामांकन करा चुकी है। इस प्रकार है हर 1 लाख की जनसंख्या पर 10,000 निवासी आधार नामांकन केंद्र से शेष है। इस शेष रही जनसंख्या में 0 से 18 वर्ष आयु की प्रमुख संख्या दी गई, 0 से 5 वर्ष के वायु वर्ग की नामांकन बायोमेट्रिक सूचना नहीं लिए जाने के कारण टेबलेट के माध्यम से कैंप मोड में अधिक सहजता एवं सुगमता से किया जा सकता है। उपस्थिति में पर्यवेक्षक में राज्य के हर जिले में चयनित पंचायत, यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है जहाँ जहाँ पे छठों खोला जाएगा, पंचायत समिति मुख्यालय एवं नगर निकाय में आवश्यकता अनुसार आधार नामांकन एवं आधार केंद्र रजिस्टर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अधीन स्थापित किया जाना है। यह केंद्र बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य रजिस्ट्रारों के अधीन संचालित आधार नामांकन एवं केंद्र अध्ययन केंद्रों में के अतिरिक्त होंगे। मतलब कि बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस और अन्य रजिस्ट्रार एजेंसियों में जो आधार नामांकन चल रहे हैं वो ई मित्र से अलग होंगे। जो कि आपको बताया आधार केंद्र सरकारी परिसर में ही संचालित किए जाएंगे। ऐसे परिसर जहाँ राजनेट और राजस्वान की कनेक्टिविटी उपलब्ध है उन्हीं केंद्रों पर प्राथमिकता से केंद्र स्थापना हेतु चयन किया जावे। देखिए यहाँ पर जिनको राजनेट और राजस्वान का नेट चलता है वहीं पर ही आधार केंद्र संचालित किए जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति कार्यालय, तहसील उपखंड कार्यालय तथा किसी अन्य विभाग के सरकारी कार्यालय और नगरीय निकायों में जिलाधीश कार्यालय, उपखंड, तहसील कार्यालय, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद, नगर निगम कार्यालय, अन्य विभागों के कार्यालयों के परिसर का आधार केंद्र स्थापना हेतु चयन किया जा सकता है। चयन का आधार कार्यालय में स्थान की उपलब्धता
कार्यालय का सहज पहुंच, कनेक्टिविटी आदि रहेंगे। यथासंभव आधार केंद्र के लिए फर्नीचर, बिजली बिजली आदि की व्यवस्था संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी। मतलब जिस गवर्नमेंट लोकेशन में आप काम कर रहे हो तो फर्नीचर वगैरह आपको, बिजली वगैरह आपको वहां से दी जाएगी। और जो आपका आधार केंद्र है, आपकी क्रेडेंशियल है, बायोमेट्रिक डिवाइस, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह, वो आपका रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बैठने की जगह मिल जाएगी, फर्नीचर मिल जाएगा और बिजली पानी की व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। जिले में आधार केंद्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थल चयन व ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया जिला कलेक्टर के निर्देश में संपन्न की जाएगी। इस कार्य हेतु जिला कलेक्टर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करेंगे जो निम्नानुसार रहेगी। तो जिला कलेक्टर है वो अध्यक्ष रहेंगे, कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी सदस्य रहेंगे और अतिरिक्त निदेशक सिस्टम एनालिटिक्स कम प्रोग्रामर इसके सदस्य सचिव रहेंगे। यह कमेटी आधार केंद्र स्थापना हेतु जिले में सर्वप्रथम उचित स्थान चिन्हित करेगी, आवश्यकताओं का आकलन कर केंद्रों की संख्या निर्धारित करेगी, इन केंद्रों हेतु यथा स्थानवार उपयुक्त ऑपरेटर का चयन करेगी। ऑपरेटर चयन करने के लिए कमेटी चिन्हित स्थानों की सूचना सहित सार्वजनिक नोटिस जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगी। यह नोटिस की सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों का चस्पा किया जाएगा व स्थानीय समाचार पत्रों में इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। जिले का कोई भी निवासी जो UIDAI के अधिकृत प्रमाणितकर्ता एजेंसियों द्वारा आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर प्रमाण पत्र धारक है, आवेदन करने का पात्र होगा। जिस ग्रामीण या नगरीय निकायों में आधार केंद्र हेतु ऑपरेटर का चयन होना है, वहीं के स्थानीय निवासी की को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र किसी एक केंद्र के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कमेटी योग्यता अनुभव के आधार पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का अंतिम निर्णय रहेगा। आधार केंद्र का संचालन समस्त कार्य दिवसों पर 10 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। ऑपरेटर को समय केंद्र पर उपस्थित रहकर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करके नामांकन एवं अध्ययन सेवाएं प्रतिदिन प्रदान करनी होगी। आधार नामांकन एवं अध्ययन केंद्र अध्ययन हेतु आवश्यक किट की व्यवस्था ऑपरेटर को अपने स्तर पर ही करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में ऑपरेटर की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत कमेटी जिले में उपलब्ध किट ऑपरेटर को पूर्व निर्धारित मासिक शुल्क प्रति 3 रुपये प्रति नामांकन की एवज में प्रदत्त की जा सकेगी। अगर आप है जो ऑपरेटर किट है, जो आधार मशीन हो गई, प्रिंटर वगैरह हो गया, अगर आपके पास में नहीं है तो ये कमेटी द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जा सकता है। प्रति एक आधार कार्ड चाहे अपडेट करो चाहे नया बनाओ, कुछ भी करो, उसमें 3 रुपये आपको कमेटी को देने होंगे। वो भी मासिक शुल्क रहेगा आपको। एक महीने में जितने आधार कार्ड बनाते हो उसके एवज में आपको 3 पेमेंट है वो आपको कमेटी को जमा करवानी होगी। और उक्त अवधि समाप्त होने के बाद ऑपरेटर को कार्य प्रणाली, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर का चयन एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के लिए ऑपरेटर का चयन किया जाएगा। एक वर्ष खत्म होने के बाद में व्यवहार एवं प्रदर्शन को देखते हुए कमेटी अवधि को आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी। ऑपरेटर के विरुद्ध अनियमितता, अधिक शुल्क वसूली, दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर बाद ऑपरेटर को जिला कलेक्टर द्वारा तुरंत प्रभाव से कभी भी डीएक्टिव ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। और इसके बाद आता है जिले के चयनित ऑपरेटर को UIDAI से ऑनबोर्ड एक्टिवेशन करने हेतु जिले के सिस्टम एनालिटिक्स का प्रोग्राम निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उसे जांच के बाद अनुमोदन RIFL को अग्रेषित करेंगे और ये द्वारा यह आवेदन UIDAI को भिजवाया जाएगा। ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग एनालिटिक्स को हो जाने के बाद जिले के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, SCP, प्रोग्रामर समय समय पर इन केंद्रों पर का अपने अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करेंगे। स्थायी आधार केंद्रों के अतिरिक्त 0 से 5 साल के बच्चों का नामांकन CLC टेबलेट के माध्यम से नामांकन की कार्यवाही की जानी है। प्रत्येक जिले के SCP के पास यह टेबलेट उपलब्ध है। राज्य में समस्त 0 से 18 वर्ष की उम्र का नामांकन प्रतिशत कम होने के इसी लक्षित समूह के नामांकन पर विशेष बल दिया जाना है। यह कार्य स्थायी केंद्रों पर भी किया जा सकेगा, परंतु स्थायी केंद्रों की अपेक्षा यह कार्य कैंप मोड में किए जाने अच्छे प्रगति यथासंभव टेबलेट के माध्यम से ऑपरेटर उपयुक्त स्थानों पर कैंप आयोजित कर बेहतर लक्ष्य अर्जित कर सकेंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय कमेटी प्रत्येक ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में हर 25,000 की जनसंख्या हेतु एक टेबलेट ऑपरेटर का चयन करेगी। चयन की प्रक्रिया स्थायी केंद्रों के ऑपरेटर के समान ही रहेगी। CLC ऑपरेटर के लिए महिला ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑपरेटर के UIDAI द्वारा ऑनबोर्डिंग एनालिटिक्स हो जाने के बाद
और किट टैबलेट प्रदत्त किए जाने से पूर्व जिला सिस्टम एनालिटिक्स SCP द्वारा उपयुक्त ऑपरेटर से एक अनुमोदन किया जाएगा और ऑपरेटर से 10,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा जिला स्तर पर संचालित राजकोम के खाते में की जाएगी। ऑपरेटर यदि कार्य बंद कर देता है या किन्हीं कारणों से कार्य नहीं करना चाहता तो टैबलेट किट जमा होने के बाद यह राशि उसे वापस लौटा दी जाएगी। यदि टैबलेट किट को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। अनुमोदन अनुबंध में यह स्पष्ट अंकित रहेगा कि किसी भी अनियमितता या त्रुटि के फलस्वरूप ऑपरेटर पर लगाई गई पेनल्टी की वसूली ऑपरेटर से की जा सकेगी और यह अपने कर्तव्यों के लिए समय जिम्मेदार रहेगा। केंद्र स्थापना के लिए ऑपरेटर को अधिकृत किए जाने से पूर्व ऑपरेटर के संबंध में जो दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गारंटी ली जाएगी। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर के लिए दो स्थानीय प्रतिष्ठित की गारंटी ली जाएगी, दो व्यक्तियों की गारंटी देनी होगी। इसमें 10,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस भी जमा करवानी होगी। जब आप टैबलेट वापस जमा करवाओगे तो 10,000 रुपये है जो आपको वापस मिल जाएंगे। UIDAI द्वारा निर्धारित यथासंभव के अनुसार नागरिकों का यहाँ पे बायोमेट्रिक अध्ययन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है सभी प्रकार के नामांकन अनिवार्य बायोमेट्रिक अध्ययन सहित नागरिकों के लिए निःशुल्क रहेगा। प्रत्येक सफल नामांकन की एवज में UIDAI द्वारा रजिस्ट्रार को वित्तीय सहायता की राशि प्रदत्त की जाएगी। ऑपरेटर व रजिस्ट्रार ये के मध्य कुल 50 रुपये के शुल्क का विभाजन 45 रुपये ऑपरेटर व 5 रुपये रजिस्ट्रार ये के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक अध्ययन हेतु ऑपरेटर द्वारा नागरिक से निर्धारित राशि 50 रुपये लिए जाएंगे। वर्तमान में 50 रुपये बायोमेट्रिक करने पर 100 रुपये लिए वसूल किया जाएगा। यह राशि ऑपरेटर के पास रहेगी कि किसी भी ऑपरेटर को विभाग द्वारा कोई मानदेय परिश्रम नहीं देना होगा। राज्य के प्रत्येक जिले में वर्तमान स्थाई केंद्र एवं CLC कार्यरत है। यह ऑपरेटर UIDAI द्वारा अधिकृत एवं अनुमोदित है। इनमें से स्थायी केंद्रों में के कुछ ऑपरेटर के पास विभाग द्वारा प्रदत्त किट भी है व समस्त CLC के पास विभाग द्वारा पर्दा टेबलेट है। जिला स्तरीय कमेटी आवश्यकता एवं मापदंड के अनुसार पूर्व में कार्यरत इन ऑपरेटरों का भी दिशा निर्देशानुसार चयन कर सकती है। जिन ऑपरेटर का चयन नहीं होता है उन्हें किट व टेबलेट वापस ले लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे उपयुक्त निर्देशों की क्रियान्विति निम्न समय की सीमा के अनुसार ही की जाएगी। देखिए यहाँ पे जिला स्तरीय कमेटी है जो 3 दिनों में बनाई जाएगी और यहाँ पे कमेटी का टाइम दिया है जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। यह पॉलिसी जारी होने के दिनांक से प्रभावी मानी जाएगी और पूर्व में जो ऑपरेटर कार्यरत है यथासंभव कार्य करते रहेंगे। यदि पूर्व ऑपरेटर किसी कारणवश कार्य बंद कर देते हैं तो उनके स्थान पर नए ऑपरेटर का चयन नई प्रक्रिया से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह जो ये नया रूल है जो लागू हो चुका है, अब 31/3 से 1 अप्रैल से ये नियम है जो प्रभावी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से ये नियम प्रभावी हो चुका है।